नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशा। नेशनल ओडो 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की खबर देखिए मैनपुरी से। पाकिस्तानी नेता बिलावल भुट्टो के विवादित बयान पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूंका पुतला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दिए गए पाकिस्तानी नेता बिलावल भुट्टो के विवादित बयान के बाद देश में रोष व्याप्त है और जगह जगह भाजपा कार्यकर्ता बिलावल भुट्टो के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर और शहर के शहीद स्मारक से लेकर के संता बंता चौराहा, बड़ा चौराहा, डाक खाना चौराहा, घंटाघर चौराहा पर बिलावल भुट्टो का पुतला दहन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दिए गए बिलावल भुट्टो के बयान के बाद पूरे जनपद के कार्यकर्ताओं और नेताओं में आक्रोश व्याप्त है। आज भाजपा जिला अध्यक्ष प्रदीप चौहान के नेतृत्व में घंटाघर चौराहे पर भुट्टो का पुतला दहन किया गया। इस मौके पर सभी भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। जिला अध्यक्ष प्रदीप चौहान ने कहा कि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत को घेरने की कोशिश करता है और जब भारत को नहीं घेर पाते तो ऐसे अमर्यादित बयान देते हैं, लेकिन देश प्रधानमंत्री मोदी का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। ये पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी का पुतला फूंका है भाजपा के कार्यकर्ताओं ने। बिलावल भुट्टो, उनकी स्वयं की मां पाकिस्तान की प्रधानमंत्री रही हैं, उनके पिता पाकिस्तान के राष्ट्रपति रहे हैं, उनके नाना जुल्फिकार अली भुट्टो भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहे हैं। उनकी मां और उनके नाना को जिस तरह से पाकिस्तान में आतंकवादियों ने, वहां के फौजी शासन ने उनकी हत्या की, इससे भी उनको सीख नहीं मिली। उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी तपस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बहुत ही अभद्र और अशोभनीय टिप्पणियां की हैं। उसके विरोध में हम सब आक्रोशित हैं और आज हमने बाजार भ्रमण करके और उनका यहाँ पुतला फूंका है। पाकिस्तान अपने जन्म से ही भारत और भारत के सत्ता प्रतिष्ठान, राजनेता, यहाँ के सभी संस्थानों के विरुद्ध में दिशमन करता रहता है। बिलावल भुट्टो जरदारी भी अपनी प्रासंगिकता बनाने के लिए पाकिस्तान में इंप्लेमेंट न हो, इसलिए इस तरह के बयान देते हैं। हम सब उनके इन बयानों की घोर निंदा करते, भत्सना करते हैं और हमने अपने नगर का जनजागरण करके और पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए और अभी यहाँ उनका पुतला फूंका। उसामा बिन लादेन मर गए बता रहे, और भी कुछ लोग देखिए, हम आप सब जानते हैं आज सोशल मीडिया का जमाना है। पाकिस्तान जो संयुक्त राष्ट्र संघ से घोषित आतंकवादी है, उनमें सर्वाधिक बड़े आतंकवादियों की शरण स्थली पाकिस्तान है। ओसामा बिन लादेन का विषय हो, चाहे अफगानिस्तान में अभी जो घटनाक्रम हुआ एक साल पहले इसका विषय हो, जो भी बड़े आतंकवादी संगठन हैं उनके यहाँ का विश्व भर में आतंकवाद फैलाते हैं और पाकिस्तान में ही शरण पाते हैं। इसलिए पाकिस्तान का, वहाँ के सत्ता प्रतिष्ठान का, वहाँ के प्रधानमंत्री रहे हो चाहे वहाँ के ये विदेश मंत्री हो, सभी लोग अपना यह बचाव करने के लिए अनावश्यक रूप से ये निंदनीय टिप्पणियां करते हैं। हम लोग इसकी और भर्त्सना करते हैं।